Good afternoon, friends. This is your host Ashish Borua from Borua's Way. Today, 10th of July 2022, we are going to discuss the weekly currency analysis. Please watch till the end to get the most information. Before we start, please like the video as it inspires me to put more effort and make new, better, creative, and effective content for you. Without further ado, let's begin. Dollar index weekly, last Friday, it last traded at 106.90. It moved high of 107.78 during the week. हम अगर इसको डेली चार्ट में देखने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे एक पिन बार दिख रहा है, सम सॉर्ट ऑफ इन्वर्टेड पिन बार, व्हिच मे कल्मिनेट इनटू एक शूटिंग स्टार टाइप फॉर्मेशंस। इसका मतलब ये है कि ये आपका 7th जुलाई के लो के नीचे अगर ट्रेड होगा, यानी थर्सडे के लो के नीचे अगर मूव होगा, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ सॉफ्टनेस देख सकते हैं। यहाँ पे डॉलर रुपी क्लोज दिया है 79.27 पे, वीकली ऑल टाइम हाई क्लोज। यहाँ पे अभी सेल ऑफ के लिए कोई नामो निशान है नहीं। लास्ट जो पॉलिसीज लिया गया था टू अट्रैक्ट फॉरेन फ्लोज, तो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इमीडिएटली कुछ होगा नहीं। एंड ऑल्सो हमें देखना है कि द मेजर्स दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टेकन, तो सफिशियंट है क्या? लगता नहीं कि इतना सफिशियंट होगा। इसके साथ और कुछ हमें चाहिए, सम एक्स्ट्रा एफर्ट, ताकि जो इनफ्लो शुड बी ग्रेटर देन द आउटफ्लोज। डेली में आपका फिलहाल सेलिंग के लिए कोई इंडिकेशंस है नहीं। ओनली इंडिकेशन ये आपका 78.80 के नीचे अगर एक तगड़ा क्लोज दे देता है, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम अर्ली रिवर्सल सिग्नल्स। तब तक हमें बाय डिप्स ही करना है इन दिस करेंसी पेयर। लेकिन हाँ, बाय डिप्स भी करेंगे तो स्टॉप लॉसेस तगड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि सडनली कुछ मेजर्स अगर आ जाता है देन मींस कहाँ पे गैप डाउन ओपन होगा किसी को पता नहीं है। जीबीपी डॉलर आपका दिस वीक में लोएस्ट ट्रेडेड इज 1.1875। यहाँ पे एज ऑफ नाउ कोई रिवर्सल इंडिकेशंस नहीं है, एक्सेप्ट प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर लेवल्स। अभी इसको रिवर्सल्स के लिए हमें एक ग्रीन कैंडल, वीकली ग्रीन कैंडल देखना है, सो दैट कुछ रिवर्सल सिग्नल्स हमें देख सके। डेली में थोड़ा सा नीचे की तरफ प्राइस कंसोलिडेट करने के लिए देखा गया है, और जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, एक ट्रेंड लाइन हो गया और इधर एक ट्रेंड लाइन हो गया, तो पहले ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज ना दे, तब तक अर्ली रिवर्सल का कोई इंडिकेशन नहीं है। सेलर्स के लिए थोड़ा सा कॉशन जरूरी है, क्योंकि सेलिंग करने से वन में ट्रेड विथ स्ट्रॉन्ग मींस स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस। यूरो डॉलर दिस वीक जो लोएस्ट ट्रेडेड हुआ है 1.0071, उसके बाद फ्राइडे को आफ्टर एनएफपी प्राइस का थोड़ा सा रिवर्सल मींस रिवर्सल नहीं बताएंगे, थोड़ा सा मींस अर्ली इंडिकेशन ऑफ ए रिवर्सल इज देयर। ये एक पिन बार बना हुआ है, अभी ये पिन बार इज द इनिशियल सिग्नल की प्राइस रिवर्सल का, लेकिन स्ट्रॉन्ग सिग्नल है नहीं। ये जो आपका 6th जुलाई का हाई है, इसके ऊपर अगर आने वाले हफ्ते में किसी भी दिन डेली क्लोज दे देता है, देन एंड ओनली देन वी कैन कंसीडर इट एज अ मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशंस। सो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशंस के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा।
डॉलर येन वीकली क्लोज दिया है 136.04, ये भी रिसेंट स्विंग हाई है। यहाँ पर भी कोई सेलिंग का इंडिकेशंस नहीं है, लेकिन मार्केट कॉशियस चल रहा है। अभी पिछले 3 वीक्स में एक रेंज बनाया हुआ है, इस 3 वीक का रेंज के नीचे अगर क्लोज दे देता है देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम रिवर्सल्स, और 3 वीक के हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देता है फिर कंटिन्यूएशन ऑन द हायर साइड। अगर हम इसको डेली में देखने का कोशिश करेंगे तो ये काफी कंसोलिडेशन हो रहा है, ये एक हाई और ये एक लो, जो वीकली का रेंज था 3 हफ्ते का, और ये सम सॉर्ट ऑफ दिस इज अ रेंज ऑन अ डेली। इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है तभी जाके थोड़ा सा रिवर्सल्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों को कंसोलिडेशन प्राइस बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हो रहा है, तो एक ट्रेंडेड मूव का इंतजार है। ये कब आएगा पता नहीं है, ये नीचे की तरफ आएगा वो भी कंफर्म नहीं है, ऊपर की तरफ जाएगा, हमें सिर्फ प्राइस को देखना है। वी डोंट वांट टू बी गेट बायस कि ये नीचे की तरफ ही जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इनिशियल इंडिकेशंस नीचे की तरफ है। बट हम लोग ब्लाइंडली शॉर्ट के लिए इंतजार नहीं करेंगे, ये कंसोलिडेशन के बाहर निकलने के बाद हम एक ट्रेंडेड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर वीकली में एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे बेसिकली लोअर लेवल पे प्राइस रिजेक्शंस देखा गया है, हमें ये रिजेक्शंस को केयरफुली ऑब्जर्व करना है क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग मारना भी रिस्की है एंड शॉर्ट खेलना भी रिस्की है। इंट्राडे में कोई भी कुछ भी खेल सकता है, लॉन्ग में भी खेल सकता है, शॉर्ट में भी खेल सकता है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस आर नेसेसरी। डेली में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन के ऊपर जाने का कोशिश किया था, लेकिन फिर दोबारा ये जो सपोर्ट है इसको टेस्ट करके फिर थर्सडे एंड फ्राइडे को फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। देन इन दिस केस देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के ये 96.5070 की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटीज है, एंड इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो 98.50 की तरफ एक मूव हम देख सकते हैं। यूरो आईएनआर एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल पे है, ये हफ्ते में आपका 879.92 भी लो ट्रेड करके गया है एंड फाइनली क्लोज एट 80.81। हमें यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली, जो भी हो मीन्स लॉन्ग के लिए हो या शॉर्ट के लिए हो, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ब्लाइंडली शॉर्ट करने से भी नहीं चलेगा क्योंकि स्टॉप लॉसेस मस्ट बी देयर। डेली में हम अगर देखेंगे तो आपका ये जो यहाँ पे एक टिपिकल सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ है, एक पिन बार फॉर्मेशन आया है यहाँ पे, ये पिन बार के बाद हमें आपका ये कैंडल के ऊपर दैट इज 6 जुलाई के कैंडल के ऊपर अगर क्लोज देता है देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड अप मूव, अदरवाइज हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है ऑन एनी साइड ऑफ द पोजीशंस। जेपीवाई आईएनआर वीकली में लोअर लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, बॉटम आउट का अभी तक सिग्नल्स मेरे हिसाब से कुछ मिला नहीं है, वी नीड टू वेट फॉर फर्दर क्यूज। अगर हम डेली में देखेंगे डेली में भी काफी कंसोलिडेशन हो रहा है, हमें इस कंसोलिडेशन के बाहर निकलने का इंतजार करना है एक अच्छा मूव देने के लिए। डॉलर कैंडी वीकली में ये जो लेवल है आपका 1.30 बेसिकली, ये काफी क्रूशियल लेवल बन चुका है। पहले भी देखिए कितने टाइम आपका यहाँ पे टच करके इमीडिएटली नीचे आया था, इमीडिएटली नीचे आया था, इमीडिएटली नीचे आया, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट किया फिर इस लाइन के आसपास ये टाइम पास कर रहा है। ये जो जितना टाइम पास करेगा उतना ही ये ऊपर की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटीज ऑन वीकली टाइम फ्रेम। इसको अगर नीचे आना था तो इतना टाइम ये नहीं पास करता यहाँ पे। डेली में ये लेवल पे आपका 1.3080 के वहां पे अच्छा खासा प्राइस रिजेक्शन आया है,
लेकिन यहाँ पे सेल ऑफ कोई ट्रेंडेड तब तक नहीं होगा जब तक 1.28 के नीचे डेली क्लोज नहीं दे देता है। ऑसी डॉलर वीकली ये बॉटम आउट का एक सिग्नल है, लेकिन कंफर्म सिग्नल्स नहीं है, हमें और प्राइस कंफर्मेशन चाहिए यहाँ पे। डेली पे हमें एक फॉल्स ब्रेकडाउन की तरह दिख रहा है। अगर ये आपका 6 जुलाई का हाई के ऊपर, 5 जुलाई के हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो वी मे कंसीडर इट एज अ फॉल्स ब्रेकडाउन, एंड इन सच ए सिनेरियो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 0.7050 एंड दूसरा टारगेट हो जाएगा 0.7250। तो यहाँ पे एक डेली क्लोज चाहिए 5 जुलाई के हाई के ऊपर। डॉलर सीएनएच कंसोलिडेट कर रहा है एक नैरो रेंज के अंदर में ऑन वीकली टाइम फ्रेम। डेली में भी अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन के बाहर निकलना चाहिए, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट ए ट्रेंडेड मूव आइदर ऑन द डाउन साइड और ऑन द अपसाइड। ब्रेंट क्रूड लास्ट वीक में एक सेल ऑफ दिखा गया था टुवर्ड्स जो लो मारा है आपका 98.55, लेकिन उसके बाद फिर प्राइस गॉट रिजेक्टेड, यानी नीचे की तरफ सस्टेन नहीं कर रहा है। इसको अगर 70 की तरफ जाना है देन इट हैज टू गिव ए वीकली क्लोज बिलो 97, जो मैं काफी पहले से इंडिकेट कर रहा हूं। अगर हम डेली में देखेंगे तो ये वही फिर दोबारा रेंज 97 एंड 124 के बीच में फिर दोबारा यहाँ से फिर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी सिर्फ हमें देखना है कि ये जब सेंटर बैंड में आके फिर रेजिस्टेंस लेता है या नहीं लेता है, यानी मंडे एंड ट्यूजडे में भी क्रुशियल इसीलिए कि प्राइस सेंटर बैंड में आने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा सेल ऑफ होता है या नहीं होता है, ये हमें देखना है। यूएस 10-year ट्रेजरी इस हफ्ते में अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 2.747 ऑन द लोअर साइड एंड 3.101 ऑन द हायर साइड। बेसिकली 13th ऑफ जुलाई को यूएस सीपीआई डेटा है, व्हिच इज मार्केट इज वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा। अगर डेटा खराब आता है तो फिर दोबारा ये जो स्विंग हाई है या रिसेंट हाई है उसके तरफ जाने का कोशिश करेगा। डेली में देखेंगे ये लोअर बैंड में आने के बाद अभी सेंटर बैंड के आसपास है। अभी क्रूशियल यही है, हमें देखना है पहला कि ये सेंटर बैंड के ऊपर क्लोज ना दे, एंड दूसरा आपका 28 जून का जो हाई है उसके ऊपर क्लोज ना दे। अगर 28 जून के हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस वाला निगेट कर जाएगा एंड मार्केट विल एंटर इनटू अ चॉपिनेस। पहला देखना है सेंटर बैंड एंड दूसरा देखना है ये 28 जून का हाई, ये दोनों क्रूशियल है। अगर ये दोनों क्लोज कर दे ऊपर, क्लोज करके ऊपर चला जाता है इन सच ए सिनेरियो, चॉपिनेस अगेन विल प्रिवेल इन यूएस 10-year ट्रेजरी। लेकिन हमें क्रूशियली 13th जुलाई का डेटा ऑब्जर्व करना है। वीकली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स अबाउट दिस वीडियो, इट हेल्प्स आउट ग्रेटली। थैंक यू अगेन, दिस इज आशीष बरुआ फ्रॉम बरुआज वे साइनिंग ऑफ।